Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. 800-850 के zones. Opening कैसी लगी और वायदा बाजार में किस तरह का मूड नजर आ रहा है? बेहद शानदार आशीष, और आपको अगर आप देखें, अगर गो हेड के बाद अगर आपने पंच किया है तो 50-60 पॉइंट मिल रहे हैं। और देखिए आशीष, मैं निफ्टी और निफ्टी बैंक से पहले आपको एक चीज रखना चाहूंगा। देखिए प्लीज, विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के जिस चैनल को आप देख रहे हैं, सीएनबी सेवास, उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में, बट दैट्स द क्रक्स। रिलायंस का इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा, और उस दिन की वो कैंडल आज से अगर आप देखें, दो सेशन की पहले की एक कैंडल थी जिसका हाई था करीब करीब समझ लीजिएगा कि 2530-2537। ये 7 रुपए अगर रिलायंस पार करता है तो एक सब्सटेंशियल मूव इंडेक्स को देगा, एक वेटेज अगर आप देखें बड़ा होल्ड करता है, तो दैट्स द एडवांटेज। मैं पहले आपके स्क्रीन पर एक रूपरेखा खींचता हूं कि डेरिवेटिव्स में हो क्या रहा है। मेरे पास एक हीट मैप है जिसके अंतर्गत ये चीज क्लियरली विजिबल है कि थ्रस्ट शॉर्ट कवरिंग का है इस मार्केट में। अभी 16091 की बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंडालको, दे आर विटनेसिंग ह्यूज शॉर्ट कवरिंग, अच्छी शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहे हैं। अदानी पोर्ट्स में एक मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है लॉन्ग का। बैंकिंग में SBI शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहा है, इंडसइंड बैंक विटनेस कर रहा है शॉर्ट कवरिंग। और एक और चीज याद रखिएगा, एक एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर विद इन द मिड कैप, सॉरी लार्ज कैप IT टेक महिंद्रा एक शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहा है। FMCG में जो राहत है आज, उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट है टाटा कंज्यूमर को, इस पे नजर रखिएगा। और एक और चीज, दो चीज और आशीष, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो का प्राइस परफॉर्मेंस ये इंडिकेट करता है, और अशोक लेलैंड जो है वो इस वक्त टॉप प्राइस गेनर है, कि ये एक ऑटो का भी दिन हो सकता है। तो जिसे कहते हैं ना ऑल सिलेंडर्स फायरिंग, सब कुछ अगर आप देखें अच्छा कर रहा है इस वक्त इंडस्ट्रीज के लिए। इंडस्ट्रीज लेके आइए आपकी स्क्रीन पर, अब इस वक्त हम डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड करते हुए, ये रहा बजाज ऑटो, इंडस्ट्रीज लेके आइए एक बार जरा प्लीज से स्क्रीन पर, और ये 16087 यानी वो 91 की पॉसिबिलिटी आशीष, ये लीजिए हो गया। और एक और चीज, अगर ये 16100 के यानी अपने सेकंड कॉलेटर के जोन के ऊपर ट्रेड करता है आशीष, तो इसके बाद जिस जोन की पॉसिबिलिटी बनती है वो है 16191। चंदन तापड़िया हमारे साथ मौजूद है। चंदन, गुड मॉर्निंग, आपका पहला कन्विशन ट्रेड इस ओपनिंग के बाद। गुड मॉर्निंग वीरू, देखिए बाजार में काफी उठा पटक है, कल के डिक्लाइन के बाद बाजार ने काफी अच्छी रिकवरी दी और उसी लेवल पे आ गए जहाँ पे गेप हुए थे, तो कहने के सिलेक्टिव बाइंग है, और ये तो साफ प्रतीत हो रहा है कि 15735 एक मेजर सपोर्ट का काम करेंगे। याद रखिए वॉलेटिलिटी रहेगी, बट 15735 से कहीं ना कहीं वापिस से 16400-16666 के लेवल को छुएगा, तो इस मार्केट में उठा पटक के लिए तैयार है, बट मेरे हिसाब से बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति को आप बना सकते हो जब तक ये 15735 के लेवल को होल्ड कर रहा है। ट्रेडिंग आइडियाज की तरफ फोकस करें तो मेरा फोकस यहाँ पे सिलेक्टिव FMCG काउंटर पर रहेगा। तो एक तो हमें ITC अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा प्राइस एक्शन इस काउंटर में देखने को मिल रहा है, कल के स्मार्ट क्लोज के बाद आज सस्टेन फॉलो बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो 274 के स्टॉप लॉस से कहने की 292 के लिए ITC पे खरीदारी की सलाह रहेगी। वही नॉन FNO में एक काउंटर जो हमारे पिछले 3-4 दिन से फोकस में वो रहेगा, रुचि सोया, तो यहाँ पे 1190 के स्टॉप लॉस से 1280 के टारगेट रहेंगे। तो ITC और रुचि सोया जो पिछले 2-3 दिन से